फिल्म्स में हम स्टूडियो और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आमिर खान ने सरप्राइज दे दिया है अपने फैंस को। कल मैं रात को ही वीडियो बनाया था, जैसे ही 12 बजे थे आमिर खान के बर्थडे विश करने पर हमने वीडियो बनाया था। सभी लोगों ने विश किया होगा, ऑल ओवर दुनिया भर से लोगों ने विश किया होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं दिल में मेरे यही था कि आमिर खान जरूर अपने फैंस को कुछ ना कुछ खुशी दे उनके बर्थडे पर। दिल से तो ये जरूर था, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आमिर खान बहुत सोच समझ के फिल्में साइन करते हैं। और खुशी की बात यह है कि आमिर खान ने आखिर बता ही दिया कि उनकी आने वाली फिल्म का नाम क्या है। जी हाँ, उनकी आने वाली फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा, जहाँ पे वो एक सिख किरदार निभाने वाले, सिख इंसान का, और वो 20 किलो अपना वजन भी घटाएंगे। और ये फिल्म हॉलीवुड की 1994 में आई फिल्म फॉरेस्ट गम का रीमेक है, जिसमें टॉम हैंक्स शामिल थे। और इस फिल्म ने लगभग 7 ऑस्कर अवार्ड जीते थे, गोल्डन अवार्ड जीते थे, यानी कि बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, यानी कि सब बड़े बड़े अवार्ड जो ऑस्कर के थे उस साल के, सब इस फिल्म ने अपने कब्जे में ले लिए थे। इतनी बढ़िया फिल्म है ये। फिल्म मैंने बहुत पहले देखी थी, यानी कि मैं आज 5-6 साल पहले, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म जब आएगी तो बहुत बहुत धमाल मचाएगी 2020 में। तो आप कितने खुश इसके बाद जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अब ऐसे भी लग रहा है कि आमिर खान ने सच में एक बर्थडे सरप्राइज दे दिया है अपने फैंस को। और ये आमिर खान ने तब रिवील किया जब उनके घर पे कई सारे जो मीडियाकर्मी, मीडिया के जो दोस्त है ना, जो जर्नलिस्ट है, वो गए थे और उन्होंने इसके बारे में पूछा। तो आमिर खान ने आखिरकार बर्थडे पर बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। चलिए फिर कितना